हेलो फोक्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइड है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक जो है वो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल का। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। तो उसका आंसर होगा गैमेटोफिटिक। नेक्स्ट आ गया, ये डोमिनेंट फेज है। प्लांट बॉडी जो है इसकी प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे है प्रिमिटिव इज नॉट डिफरेंशिएटेड। प्लांट बॉडी इज प्रिमिटिव मीन्स नॉट डिफरेंशिएटेड एंड हैविंग अ सिंपल थैलस। नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू वट? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, एक्सेप्ट मॉसिस। एक्सेप्ट मॉसिस, मॉसिस में किस में डिफरेंशिएट होता है? राइजॉइड्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सेप्शन क्या है ब्रायोफाइट्स में, जिसमें डिफरेंशिएशन हुई है थैलस की, तो उसमें हुई है मॉसेज में, जैसे कि फिनेरिया। डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फिनेरिया के बारे में, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कमीशन में। तो मॉसेज में क्या है? रेइजॉइड्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रेइजॉइड्स पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रेइजॉइड्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिसेल्यूलर जो राइजॉइड्स हैं उसके एग्जांपल क्या है? तो उसके एग्जांपल है रीशिया एंड मार्केंशिया। रीशिया एंड मार्केंशिया आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर राइजॉइड्स। वाइल मल्टी सेल्यूलर, एक और क्वेश्चन बनता है कि मल्टी सेल्यूलर राइजॉइड्स किस में होते हैं? तो वो आ गया हमारा फिनेरिया। फिनेरिया में मल्टी सेल्यूलर ही नहीं होते हैं, इसके साथ साथ मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ ऑब्लिकली सेप्टेट, ऑब्लिकली सेप्टेट भी होते हैं और साथ में ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विच हैज ऑब्लिकली सेप्टेट मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स। तो उसका आंसर होगा फिनेरिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट बॉडी के बारे में। प्लांट बॉडी है पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस थिन वॉल्ड होते हैं और पैरेन्काइमेटस होते हैं और लैक वेस्क्यूलर। अगर पैरेन्काइमेटस होते हैं तो दूसरे टिश्यूज जो हैं वो लैक करते हैं, जैसे कि वेस्क्यूलर टिश्यू में आ जाते हैं जाइलम फ्लोएम, ये नहीं होता है इसमें, और मैकेनिकल टिश्यूज भी नहीं होते हैं जैसे कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज। एंड नेक्स्ट इसका फीचर आता है कि मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं क्यों? दो वजह से, देर आर टू रीजन्स दे आर मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। टू रीजन्स, एक तो है एबसेंस ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज एबसेंस ऑफ रूट्स, जिस वजह से इनके पूरे सेल्स को डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है एबसेंस ऑफ रूट्स की वजह से, इसलिए मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं ताकि पूरा का पूरा सेल एब्जॉर्ब कर सके मॉइस्चर को। और दूसरा ये है कि बाई फ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं, और स्पर्म्स को अगर फ्लैजिला लगे हुए हैं तो मींस कि इनको क्या चाहिए मूवमेंट के लिए? वाटर चाहिए, नीड वाटर फॉर मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स, और इसके क्वेश्चंस हमने दो चार इससे निकाले हैं, जैसे कि राइजॉइड्स ब्रांच्ड मल्टी सेल्यूलर किस में होते हैं? फिनेरिया में होते हैं। यूनिसेल्यूलर किस में होते हैं? रीशिया मार्केंशिया में होते हैं। और सिंपल थैलस होता है ऐसे तो, लेकिन डिफरेंशिएटेड होता है किस में? मॉसिस में। और विच फेज इज डोमिनेंट? गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।